छिंदवाड़ा में विगत दिनों कसमेली मंडी में किसान के साथ हुए मामले में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि किसान कुछ दिन पहले अपनी फसल बेचकर रकम लेकर आ रहा था, तभी 6 बदमाशों ने किसान की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उससे रुपए छीन लिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शहर के चारों तरफ घेराबंदी कर दी थी। पुलिस ने बदमाशों की पड़ताल के लिए सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे थे। वहीं सीसीटीवी फुटेज और सघन जांच से इन लुटेरों का पर्दाफाश हो गया है। 6 लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। पुलिस ने लुटेरों के पास से किसान के 3,97,000 रुपए बरामद किए। आरोपियों के पास से रकम के अलावा 6 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल, लोहे की रॉड व 1 काले रंग का बैग बरामद किया है। आज हमने मुख्य रूप से लगभग 1 सप्ताह पहले 20 तारीख की शाम को चौकी धर्म टेकरी थाना कुंडीपुरा क्षेत्र में घटित शाम के समय घटित एक गंभीर घटना, जिसमें एक अनाज व्यापारी के साथ हुई लूट की वारदात सामने आई थी और उसमें उनके पास से लगभग 4,08,300 रुपए की लूट करके अज्ञात बदमाश भाग गए थे। घटना अत्यंत गंभीर प्रकृति की थी। थाना कुंडीपुरा में तत्काल इसमें धारा 394-341 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपियों की तलाश शुरू की गई। घटना की पतराशी के लिए एक विशेष विवेचना टीम SIT का भी गठन किया गया और अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध 10,000 रुपए का नगद इनाम भी घोषित किया गया था। विगत 8 दिनों में लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें जिले के विभिन्न स्थानों पर लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। इस संबंध में पूरे क्षेत्र में सघन सर्च अभियान जारी था, CCTV कैमरे और दूसरे अन्य तकनीकी माध्यमों से और विभिन्न माध्यमों से इस अपराध के घटित होने के संबंध में सूचनाएँ एकत्रित की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस को कुछ गोपनीय सूचनाएं, विश्वस्त गोपनीय सूचनाएं प्राप्त हुई और उस पर जब हमने वर्क किया और तकनीकी साधनों का इस्तेमाल करके उनको जब हमने वेरीफाई किया तो अंतिम रूप से पुलिस को इसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और उनसे लूटा गया लगभग 3,97,500 रुपये नगद। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिलें और अन्य मोबाइल इत्यादि जब्त करने में सफलता प्राप्त हो गई।